अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौधरी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से सांसद रहे अतीक अहमद को संसद के मानसून सत्र में श्रद्धांजलि दी गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से चर्चाएं थी कि क्या संसद में और विधानसभा में सदन के सदस्य रहे अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि उसकी पत्नी, बेटे और खुद उस पर हत्या के आरोप दर्ज हैं। हालांकि अभी अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब स्पीकर ओम बिरला ने सदन में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देते हुए अतीक का भी नाम लिया। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौधरी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। जानकारों की माने तो संसद की परंपरा के तहत सत्र शुरू होने से पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि पहले ये साफ नहीं था कि अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी या नहीं, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने अतीक अहमद सहित 11 दूसरे दिवंगत सांसदों को भी श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।